हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा सुनाऊंगी, तो आपको पसंद आएगी। और जो न्यू फ्रेंड हैं वो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब की बार मोहिनी एकादशी 2020 को 3 मई को प्रातः 9:09 से प्रारंभ होगी। यह 4 मई को 6:12 पर समाप्त होगी। एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही सूर्यास्त के समय शुरू हो जाता है, इसलिए जब सूर्यास्त हो जाए तो भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूजा करनी चाहिए। साथ ही किसी की बुराई असत्य वचनों से भी बचना चाहिए। यूँ तो हर एकादशी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मोहिनी एकादशी को पुराणों में विशेष स्थान दिया गया है। मान्यता है कि जो भी जातक यह व्रत करता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। यह व्रत वैशाख माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस बार यह व्रत 3 मई यानी शनिवार को पड़ रहा है। तो मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा। समुद्र मंथन के दौरान देव दानवों के बीच अमृत कलश को लेकर घमासान युद्ध छिड़ गया। जब भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया, जिस पर असुर मोहित तो उठे। जब श्री हरि ने देवताओं को अमृत पान कराया, इससे सभी देवता अमर हो गए। कहा जाता है कि जिस दिन श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण किया वह तिथि वैशाख माघ की शुक्ल एकादशी थी। यही वजह है कि इस तिथि को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान श्री विष्णु की मोहिनी रूप की पूजा अर्चना भी की जाती है। निर्मल मन से यदि कोई मोहिनी एकादशी का व्रत करे तो विष्णु जी उसके समस्त दुखों का दूर करते हैं। यह व्रत मोक्ष दिलाता है, साथ ही यह साधक को निरोगी भी बनाता है। इसलिए व्रत करने के बाद जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान दें, भूखे व्यक्तियों को भोजन कराएं। इससे जाने अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो के सामने क्षमा प्रार्थना जरूर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।